हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से 5 मिनट्स के इस एपिसोड नंबर 52 में। दोस्तों, आप लोगों के सामने आज अपन बात करने वाले हैं फीता कर्मी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जानते हैं फीता कर्मी के बारे में कि फीता कर्मी के अंदर कौन कौन आते हैं और फीता कर्मी जो है मुख्य रूप से ये कौन सा ग्रुप है। फीता कर्मी, जिसे आप टेप वर्म भी बोल सकते हैं या इनको सिस्टोड भी बोला जाता है। दोस्तों, फीता कर्मी, टेप वर्म या सिस्टोड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहां पे मुख्य रूप से कितने नाम आते हैं। दो नाम आते हैं। एक नाम दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है मोनिजिया का। मैं ज़्यादा डीप में इस टॉपिक को नहीं लेकर के जा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा आता है टीनिया। दोस्तों, टीनिया में अपने को तीन नाम याद रखने हैं मुख्य रूप से, और तीन नाम में सबसे पहला कौन सा है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा और फिर मैं बात करूं तो टीनिया कौन सा आ जाएगा आपके, मल्टीसेप्स। टीनिया मल्टीसेप्स। दोस्तों, सबसे खास बात यहां पे क्या ध्यान रखेंगे कि मोनिजिया जो है, मोनिजिया में भी दो होते हैं। एक होता है मोनिजिया बेनेडिनी और दूसरा होता है मोनिजिया एक्सपानसा। मोनिजिया के संक्रमण में जो गोबर है, गोबर में चावल के दानों जैसे मोनिजिया के ग्रेविड प्रोग्लोटिड आते हैं और अपने इम्पोर्टेंट क्या है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के अंदर इन सभी में अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर दोस्तों मध्यवर्ती होस्ट जो है, मध्यवर्ती होस्ट जो है आपको मुख्य रूप से यहां कौन देखने को मिलेगा, इसके अंदर सुअर देखने को मिलेगा और सेजिनेटा में आपको गाय देखने को मिलेगी। संक्रमणीय अवस्था क्या होती है टीनिया सोलियम की, वो आपको देखने को मिलेगी सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी। सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ गाय में जो टीनिया सेजिनेटा की संक्रमणीय अवस्था है वो है सिस्टी सर्कस बोविस। और दोस्तों, जो टीनिया मल्टीसेप्स की संक्रमणीय अवस्था है वो है साइनोरस सेरिब्रेलिस। साइनोरस सेरिब्रेलिस ये मुख्य रूप से आपके भेड़ बकरियों को संक्रमित करती है। अब ये इनकी हो गई सभी की संक्रमणीय अवस्था। अब यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें बता देता हूं, जैसे कि सिस्टी सर्कस सेलुलोजी से संक्रमित सुअर का मांस कहलाता है मीजली पॉर्क। इसका संक्रमण होता है कंकालीय मांसपेशियों और हृदय की मांसपेशियों में। सिस्टी सर्कस बोविस से संक्रमित जो मांस होता है गाय का वह कहलाता है मीजली बीफ। अगर कोई अधपका मांस या बिना पकाया जो मांस है खा लेता है तो उसको संक्रमण ये पहुंच जाता है, जिसे टीनियासिस कहते हैं। मनुष्य इससे संक्रमित होता है। साइनोरस सेरिब्रेलिस जो है ये भेड़ में बीमारी करवाती है और भेड़ में बीमारी जो करवाती है उसका नाम है गिड। दोस्तों, गिड से आप ध्यान यहां रखेंगे कि ये जो गिड बीमारी है मुख्य रूप से गिड से ग्रसित जो भेड़ है क्या करती है, लक्षण गिड के क्या देखने को मिलते हैं, भेड़ गोल गोल चक्कर काटती है। इसमें भेड़ क्या करती है, गोल गोल चक्कर काटेगी।
भेड़ गोल गोल चक्कर काटती है, साथ ही साथ अपने सिर को सीने से भिड़ाती है, सिर को सीने से भिड़ाती है। और भेड़ के अंदर एक और बीमारी देखने को मिलती है जो गिड़ के जैसी होती है लेकिन गिड़ नहीं होती, उसे फाल्स गिड़ कहते हैं। और फाल्स गिड़ में भेड़ लंबे लंबे कदम रख करके चलती है और सिर को ऐसे गोल गोल घुमाती है। यहाँ चक्कर काटेगी गोल गोल, अगर गिड़ जो है उसमें साइनोसिस्टिस सर्कस सेरिब्रेलिस इस तरफ प्रभावित कर रही है तो भेड़ ऐसे गोल गोल चक्कर काटेगी, इधर प्रभावित कर रही है तो ऐसे चक्कर काटेगी, यहाँ हो रही है तो उससे क्या होगा, वो अपने सिर को सीने से भिड़ाएगी। तो ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टीनिया सोलियम की संक्रमणीय अवस्था क्या है, सिस्टी सर्कस सेलुलोजी, मध्यवर्ती कौन है, सुअर है, और मांस क्या कहलाता है, मीजली पोर्क। सेजिनेटा में मध्यवर्ती कौन है, गाय, सिस्टी सर्कस बोविस इसकी संक्रमणीय अवस्था है, और मीजली बीफ जो है इसका मांस होता है संक्रमित। ये अपने को ध्यान रखना है। और गिड बीमारी किसकी है, भेड़ की बीमारी है, जिसमें भेड़ गोल गोल चक्कर काटती है और सिर को सीने से भिड़ाती है। ठीक है, अब साथ ही साथ अपन और कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि पशु परिचर की आपकी रामबाण किताब जो है वो आ चुकी है, बहुत ही शानदार, जो अंतिम समय में आपको जो तैयारी है उस तैयारी को एक बहुत ही शानदार धार देने वाली है। इसमें आपको भरपूर MCQ और PYQ जो है इनका संग्रह मिलने वाला है। आपको पता है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। और यहाँ देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट सभी यूनिट आपकी इस बुक के अंदर कवर की गई है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं इंडेक्स के साथ कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि LSA का जो कोर्स है वो लॉन्च किया जा चुका है, 12 नवंबर 2024 से क्लासेस शुरू है, ₹2500 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही साथ दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। पशु परिचर का अगर स्टैंडर्ड बैच है 600 में तो प्राइम है 1100 में, MCQ बैच 400 में है, तो कॉम्बो आपको ₹500 में देखने को मिल जाएगा दिवाली ऑफर पे। जेड फाउंडेशन 2025 का जो स्टैंडर्ड है वो 3500 में, और जेड फाउंडेशन 2025 का जो प्राइम है वो 4500 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का स्टैंडर्ड जो बैच है वो आपको ₹2500 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां से देखेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज 100 में, जेट 2024 टेस्ट सीरीज 150 में, और पशु परिचर टेस्ट सीरीज ₹200 में आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।